विमान हाईजैक के कई ऐसे मामले सामने आए जो इतिहास में कभी न भूली जाने वाली घटना के तौर पर दर्ज हुए। ऐसी एक घटना आज यानी 10 सितंबर 1976 को घटी। जगह थी दिल्ली का पालम एयरपोर्ट। यहां से इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 अपने 66 यात्रियों को मुंबई ले जाने के लिए तैयार था। विमान ने अपने डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरी। हाईजैकर्स ने इस विमान को अपने कब्जे में लिया। इसे पाकिस्तान के लाहौर ले जाया गया और पायलट की सूझबूझ से यात्रियों को सुरक्षित बचाकर वापस भारत लाया गया। इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 को अपने 66 यात्रियों को लेकर जयपुर और औरंगाबाद के रास्ते होते हुए मुंबई पहुंचना था। विमान की कमान कमांडर बीएन रेड्डी और को पायलट आरएस यादव के हाथ में थी। विमान ने अपने तय समय से उड़ान भरी और करीब 35 मील की दूरी तय ही की थी कि अचानक कॉकपिट में दो लोग घुसे और पायलट की कनपट्टी पर बंदूक रख दी। बोले, हाथ ऊपर करो, हिलना मत वरना तुम्हें जान से मार देंगे। हमने विमान को हाईजैक कर लिया है, इसे लीबिया ले चलो। विमान को हाईजैक करने वाले कश्मीरी युवक थे। इस घटना का अंजाम ये था कि दुनिया भर का ध्यान कश्मीर पर जाए, यही इनकी योजना थी। विमान को लीबिया ले चलने की बात सुनने के बाद पायलट ने हाईजैकर से बचाने की योजना बनाई। पायलट ने हाईजैकर से विमान में कम फ्यूल होने की बात कह दी। इस तरह लीबिया के रूट की जगह विमान को लाहौर के हवाई अड्डे पर उतारा गया। पायलट ने लाहौर में मैप और नेविगेशन चार्ट ना होने का बहाना बनाते हुए अपनी योजना को और आगे बढ़ाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को फोन करके क्रू मेंबर्स और यात्रियों की सुरक्षा की बात कही और पाकिस्तान ने मदद भी की। पाकिस्तान सरकार ने लाहौर में विमान को जगह दी, रात होने का बहाना बनाया और इसी बहाने विमान को वहीं रोके रखा। रणनीति के तहत अपहरणकर्ताओं के लिए जहाज में बढ़िया खाने का इंतजाम कराया गया। इन्हें पकड़ने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने खाने के साथ दिए गए पानी में नशीली दवाइयां मिलाई थी, जिसके कारण हाईजैकर्स बेहोश हो गए। इस तरह इन्हें गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में अधिकारियों की मदद और पायलट की सूझबूझ से विमान को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। अगले दिन 11 सितंबर को पायलट सभी यात्रियों को लेकर भारत सुरक्षित लौट गया। इस ऑपरेशन की काफी चर्चा हुई और इसे भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर तालमेल के तौर पर भी देखा गया है। इस इतिहास में 11 सितंबर को हुई घटना के तौर पर दर्ज किया जाता है। बहरहाल, आपका इस हाईजैक की कहानी पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।